तो साक्षात भगवान जमीन पर आवे तो बचा सकत है राधिका को। आओ भगवान जी, उदय आवेंगे या कौन और को भेजेंगे? हम आ गए। यशोदा नंदन राधे राधे, देव की नंदन राधे राधे, गोविंद माधव राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे। अरे तू? हाँ, लाली, पहचानी नहीं का? राधिका जी की सखी, जन्माष्टमी में आते हैं आपकी यहाँ? हाँ, तब तो तू बिहार में थी ना, यहाँ कैसे आ गई? बस आ गए, आप अभी भगवान जी से बतिया न रही थी। समझ लीजिए वही हमको यहाँ भेजे हैं, राधिका जी की मेहंदी में शामिल होने के लिए। लाली बिटिया, कैसी हो तुम? बहुत से बढ़िया। लाली, हा? ये विशाखा है, राधिका की बहन। और विशाखा, ये लाली है, बहुत ही प्यारी लड़की है। राधिका को पता चलेगा ना कि ये आई है तो वो बहुत खुश होगी। अरे वाह, फिर तो मैं भी राधिका को सरप्राइज दूंगी। का देंगी? मेरा मतलब है कि मैं उसे नहीं बताऊंगी कि आप यहाँ आई है, फिर आप आके उसे चौंका देना, ठीक है? बहुत ही बढ़िया रहेगा ये तो, है ना भाई? हाँ, ये लो, जिस काम के लिए आई थी वो काम तो भूल ही गई। ये मेहंदी का थाल मेहंदी लगाने से पहले ठाकुर जी को चढ़ाना है, यही लेने आई थी बस। काम आई, हमरे रोते आप काम कीजिएगा। हम आए तो हमको भी तो कुछ करने दीजिए। कौन वाला थोड़िया लेकर जाना है? ये वाला। कहने चले? हाँ, इस तरफ बेटे। मेरी राधिका के जीवन में खुशियां बनाए रखना कान्हा। आज तक उसने बहुत दुख सहे हैं, बार बार उससे उसका अधिकार छीना गया है, इस बार ऐसा कुछ मत होने देना। मेरी बच्ची के जीवन में दुख की परछाई भी मत पड़ने देना कान्हा। विशाखा जी, जय बिटिया राधिका को ले। बस मैं यूं गई और यूं आई। लाली, हाँ, तुम्हें याद है ना उसे चौंकाना है? बस मैं अभी आई। चलो बिटिया। बस भाई, जितनी जगह बन गई उससे ज्यादा जगह तो नहीं बन पाएगी। अभी तो आधे कपड़े आपके बाहर ही पड़े हुए हैं, इसको भी डालेंगे तो फिर कहाँ जगह बचेगी अंदर? अरे ऐसे कैसे नहीं बन सकती, मैं ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ कपड़े पड़े हैं उठा के यहाँ पे रख देगा तो आधी सेल खाली हो जाएगी ना। बार बार हाथ लगा लगा के काहे बात कर रहे हैं भाई? अरे इतनी मुश्किल से तय लगा के यहाँ रखते हैं, प्रेस करवा के लाते हैं, उसके बाद आप हाथ लगा के सब खराब कर देते। देखिए भैया, हमने कह दिया तो कह दिया, यहाँ पे एक बाली जगह भी नहीं बन सकती, और अगर बन गई तो हम अपनी मूछें मुड़वा देंगे। बताइए तो मुझे, तो पहले रखेंगे फिर मुड़वा देंगे? अरे यार, रखना मुड़वाना नहीं है, ये जो कपड़े पड़े हैं। आप फिर हाथ लगाने लगे भैया, हाथ मत लगाओ ना, बिना हाथ लगाए। अरे क्या हुआ, क्यों बहस कर रहे हो? देखिए ना दादी माँ, फालतू के झंझट में डाल दिया हमें, अब आप ही बताइए इस कबाड़ में और जगह कहाँ बन पाएगी? क्यों रे, क्या हो रहा है ये सब? दादी माँ, राधिका घर में आने वाली है ना, उसके कपड़े उसका सामान रखने के लिए जगह चाहिए होगी। बस इसीलिए मैं अपने कबर्ड में नए तरह से चीजें रख रहा हूँ। ये तो तू बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन सुन, एक बात याद रखना, सोकर उठ के जहां पर सबसे पहले उसकी नजर पड़ेगी ना, वहां पर कुछ मत रखना, वहां के लिए मैं देने वाली हूं उसे। क्या दादी माँ?
लड्डू गोपाल, ताकि जल्द से जल्द इस घर में बाल गोपाल की किलकारियां गूंजे। अरे शर्मा गया। बस इस घर को किसी की नजर ना लगे। अब अगर दादी और पोते का लाड़ दुलार खत्म हो गया हो तो हम इसे फाइनल समझे? बिरजू तू भी ना, अरे जरा इस्तेमाल कर ना अपने इस दिमाग को। वो नीचे जो इतना सारा सामान पड़ा है ना, उसे दूसरे कबर्ड में रख दे, बस हो गई जगह। वही तो मैं कह रहा हूँ, कब से समझता ही नहीं है। ए राम, अरे राधिका जी कब आएंगी आप इस घर में? हमारी भौजी बनके जल्दी से इस घर में आ जाइए ताकि हमें फुर्सत मिले। रख देते। चाहिए तूने ये सब देखा ना बहुत। राधिका आज तेरी मेहंदी है। अरे तू दुल्हन है, तुझे सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे ज्यादा सजना है। अरे भाई तुझे ही तुझे तो चमकना है फंक्शन में, तू जल्दी कर, आज तेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। वो क्या है? तुझसे आज कोई खास व्यक्ति मिलने आया है। वो आए हैं। वो कौन? वो हे राम, हर बस बस उन्हीं के नाम की माला जपती रहती है। जोगन बन गई है क्या? राधिका अब वो तुझे सिर्फ शादी पर ही मिलेंगे। अच्छा तो बताना फिर कौन आया है। तू तैयार है ना? हाँ मैं तैयार हूँ। तो चल अब जल्दी चल। चल चल। एक मिनट, क्या कर रही है? थोड़ा सब्र रख, अभी पता चल जाएगा कौन है। पता ना कौन आया है? अरे बैठ तो सही, बहुत जल्द तुझे।
आप यहाँ कैसे? बस आ गए। वो कहा है कि जो आपके कान्हा जी है ना, वही हमको इशारा किए थे कि जाके राधिका की खुशी में शामिल हो जाओ, सो हम आ गए। अच्छा किए ना? ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अब ये मेहंदी की रस्म और भी शुभ और भी मंगलमय हो गई है। मेहंदी और आपका नाता भी तो बहुत ही पुराना है। मेहंदी की तरह आप भी तो हरदम पिसती रही दूसरे की जिंदगी में खुशी भरने के लिए। लेकिन देखिए अब ये मेहंदी आपके जिंदगी में खुशी और प्रेम लेकर आया है। पता है राधिका जी, ब्याह में मेहंदी यही लिए लगाया जाता है ताकि ब्याहता की जिंदगी में हरदम खुशी और प्रेम का रंग भरा रहे। ये तो आपने बहुत प्यारी बात कही। वो सब तो ठीक है, लेकिन जन काम के लिए है पहले वो तो पूरा कर ले। कहाँ है मेहंदी? अरे वो मेहंदी का थाल तो अभी भी ठाकुर जी के सामने ही रखा हुआ है। विशाखा बिटिया जरा ले आ। जी। अरे आप बैठिए, हम लेकर आते हैं। आप रसम शुरू कीजिए, हम गए और आए। कामचोरी का भी हौद होता है। मेहंदी के एक एक पुड़िया पे चंदन लगा के कौन छोड़ दिया? काम शुरू करो तो काम पूरा भी ना करना चाहिए। अब ना लग रहा है थरिया सुंदर, अब हुआ काम पूरा। जय भगवान। लीजिए आ गया मेहंदी। चलिए अब शुरू करते हैं मेहंदी का। नहीं यहाँ देता दीजिए। आपको खुश देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। देव बाबू आपकी जिंदगी में देखिएगा बहुत ही खुशी लाएंगे। कि हम तो उसी दिन जान गए थे कि आप और देव बाबू एक दूसरे के लिए बने हैं। देव बाबू की आंख में आपके लिए बहुत ही सारा प्रेम देखे थे हम। और हाँ, हम तो यूं जान गए थे कि गनग्यारस के बाद जो पहला ब्याह का मुहूर्त होगा ना, उसी में आपका ब्याह हो जाएगा। और देखिए सबसे पहले हम ही आपको मेहंदी लगाने के लिए आए हैं। हाँ हाँ शुरू करो मेहंदी, शुरू करो। रुको रुको लाली, शगुन की मेहंदी हम देवत हैं। दीजिए ना माँ जी। देवत हैं, देवत हैं। केशव माधव राधे राधे, गिरधर नागर राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद। ये माँ जी क्या हुआ? हाँ माँ जी, अब अगर इतना समय लगाइएगा ना तो हमारे जाने का समय हो जाएगा। इसी से लगा देते हैं। घबराइए मत, सबको पीपल ठाकुर जी का आशीर्वाद मिल गया है। लाइए हाथ दीजिए। नंदन राधे राधे, देव की नंदन राधे राधे, गोविंद माधव राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल।
चलो अच्छा है, अब तुमने राधिका के हाथों में शगुन की मेहंदी लगा दी, अब एक अच्छा सा डांस हो जाए। हाँ हाँ, इतना बड़ा खुशी का मौका है, नाच गाना तो होना ही ना चाहिए। ए माई, आप मेहंदी का रस्म पूरा कीजिए, हम तुम्हें नाच के आते आ जाओ।